कि मैं युद्ध ना रणदीप से मानता, क्योंकि रणदीप तो कैंडिडेट भी नहीं है, उसका बेटा है, उसे राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, चांदी का मुंह में चम्मच लेके पैदा हुआ है और लीला राम के आए दिन आप देख ही रहे हो, उसने तो खुद ही मान रखा है कि मेरी चलती नहीं, राजा तो जनता पैदा करती है और ये तो लोकतंत्र की ताकत है, जिसको लोग वोट देंगे वही राजा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा गांव मेरा साथ देगा और मैं गर्व करता हूं अपने गांव पे और पूर्णतः फिर कहता हूं कि बहुत बढ़िया गांव है और बढ़िया ही फैसला लेगा। दिन प्रतिदिन मेरा गांव और मेरा इलाका हर रोज मेरे साथ मुझे ताकत देने के लिए आएगा और आने वाली 5 तारीख को ये फैसला कर देगा अपना वोट डालकर कि कैथल विधानसभा से चंडीगढ़ की विधानसभा में अनिल तंवर जा रहा है। देखिए पत्रकार महोदय, आपका बहुत बढ़िया सवाल है। नंबर एक तो इनेलो बसपा का जो गठबंधन है, जो बहन जी ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बना के हमें दिया, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, वो गठबंधन ही गरीब किसान और कमेरे छोटे दुकानदार का है। मुझे पूरा विश्वास है कि गरीब आदमी आम आदमी जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी वो मुझे सुनेगा और मेरे पक्ष में कैथल हल्के का एक एक आदमी मेरे पक्ष में खड़ा होगा और मुझे कामयाब करेगा। उसके साथ ही आप देख रहे हैं कि मेरे आसपास ये सारी गरीब जनता खड़ी है, कोई दन्नाड़ नहीं है, सब गरीब हैं आम आदमी है। मुझे इन पर विश्वास है, मैं इनके हकों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरा दर्द इनका दर्द है, मेरी लड़ाई इनकी लड़ाई है। देखिए हक जताने में क्या ऐतराज है, वो भी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बड़ी पार्टियों के नेता हैं, पर बड़ी पार्टी में उनको यूं नहीं मानता कि बड़ा आदमी जात से नहीं होता, जमात से होता है, बड़ा आदमी अपने असूल से होता है। वो लोग अपनी वोट मांगते हैं और मेरा केवड़क गांव बहुत ही सूझबूझ वाला गांव है, बहुत ही सूझबूझ वाले लोग यहां रहते हैं और जब अपना फैसला करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। तो मैं मानता हूं कि जो लोग हैं मेरे गांव के, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी गरीब जनता मेरे गांव की मेरा साथ देगी। ठीक है, आदर करना चाहिए, मेहमान कोई भी हो, मैं कहाँ कहता हूँ कि निरादर करना चाहिए, और हमारे गांव की यह सभ्यता रही है कि हमारे गांव तो अगर दुश्मन भी आ जाएगा उसका भी आदर करेंगे। अनिल जी, आज इतना जोश कैसे है कि यहाँ पे जो मतलब प्रोग्राम था उसकी ऊर्जा है ये, या फिर वैसे ही पहले से ही ऊर्जावान? देखिए मेरे भाई, मैं उन हालात और उन परिस्थितियों से जूझ के आया हूँ, यहाँ तक का जो मेरा जीवन है, आप किसी से ऑफ कैमरा पूछ लेना चाहे ऑन कैमरा पूछ लेना, कि जहाँ तक का मेरा संघर्ष है, ऊर्जा और उत्साह मेरे खून में है, मेरे पसीने में है, मैं किसी से बात से घबराता नहीं, ना किसी बात से डरता, संघर्ष की राह पर चल रहा हूँ, कामयाब हूँगा। देखिए कोई भी लड़ाई हो, कोई भी युद्ध हो, उसको आसान नहीं मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध लड़ा, श्री कृष्ण जी ने लड़ा, अर्जुन से लड़वाया, तो जब श्री अर्जुन जी लोगों को देख के हथियार डाल गए थे तो श्री कृष्ण जी ने उनको उपदेश देकर ये संदेश दिया था कि अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मैं इस बात से पूरा विश्वास करता हूँ कि जो जनता मेरे साथ है, मैं पूर्णतः इस बात पर विश्वास करता हूँ कि इस चुनाव में मैं जीतूँगा और बहुत अच्छा मुकाबला करूँगा। और मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं न रुकूँगा, न डटूँगा, न डरूँगा। कैथल की विधानसभा अनिल का युद्ध किससे माने, सुरजे वाले से या फिर लीला राम से? देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। देखिए मैं युद्ध ना रणदीप से मानता, क्योंकि रणदीप तो कैंडिडेट भी नहीं है, उसका बेटा है, उसे राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, चांदी का मुंह में चम्मच लेके पैदा हुआ है और लीला राम के आए दिन आप देख ही रहे हो, उसने तो खुद ही मान रखा है कि मेरी चलती नहीं, और अनेकों बार उन्होंने यह भी कबूल कर लिया कि सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार है, तो फिर वो तो पहले ही हार मान चुके हैं। मेरा तो ये विश्वास है कि कैथल की गरीब जनता पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे वोट देंगे और कामयाब करेंगे। आपको ये नहीं लगता राजा के बेटे में भी राजा की गुण बात नहीं है? तो कहीं ना कहीं नहीं, सुनो सुनो,
आपने जो ये बात कही बड़ा ठीक है, ये बात है। आप इतिहास में देखेंगे कितने राजा महाराजा थे, सारे लुप्त हो गए, वह क्यों हो गए और नए राजा पैदा हो गए। राजा तो जनता पैदा करती है और ये तो लोकतंत्र की ताकत है, जिसको लोग वोट देंगे वही राजा है। अनिल जी, इस गांव में परिवारवाद नहीं छोड़ देंगे, बहुत मशहूर है कि आपको लगता है कि भाई आज आपने गांव इकट्ठा किया और धीरे धीरे पूरे गांव को जोड़ लिया। देखिए, ये सवाल आप गांव के लोगों से करें, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा गांव मेरा साथ देगा और मैं गर्व करता हूँ अपने गाँव पे और पूर्णतः फिर कहता हूँ कि बहुत बढ़िया गाँव है और बढ़िया ही फैसला लेगा। पत्रकार भाइयों, पहले तो मैं आप हमारे गांव में आए और हमारी राय जानने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये भी कहा सुरजेवाला तक है, बहन जी कह रही, बल्कि अगर ये बड़े बड़े दिग्गज हैं और क्योड़क पर मुँह धो रहे सारे, भाई क्योड़क माता माने बहुत ज़्यादा वोट आवेंगी, यह बात का मैं नहीं होने की बिल्कुल भी, क्यों हमारा दो पार्टियां ने टिकट दे रखा हमारा गाँव का बेटा था, तो वह कैसे उ सोच रहे हैं भी हम उन तक वोट दे देंगे। या मैं नहीं कह रहा, 36 बरादरी की बात है, आज कुछ आप खुद देखा करेंगे, आप रिपोर्ट में लिखेंगे, मैंने पूरा विश्वास है भी आप रोज लिखते रहेंगे, आज क्योड़ के इतने लोग थे उसके साथ, आज इतने थे और 100% हमें इसके साथ जाएंगे डट कर इलेक्शन तक। उरा लीला सुरजाला जो भी है वहाँ सोचेंगे भी हम क्योड़क में जाने के भी नहीं, क्यों वहाँ वहाँ हमारी वोट ही नहीं रही। यह भी आपने देखना, समर्थन लेके आएंगे या बहुत बढ़िया सवाल करया। मैं अभी कह रहा था भी माने मारा गांव पर कंधे आए, इसमें कोई शक नहीं, सुरजाला भी कहा क्योड़क ने बनाया था, लीला भी कह रहा पीछे क्योड़क ने बनाया था, कि इन लोगों ने वोट दी थी। आज माने मौका पै गया अपनी उधार लेने का, हम सारे गुआंडा में जाएंगे, हम पब्लिक तक कहेंगे भाई माने था बनाए हैं, आज मरते मारे आदमी ने बना दो, हमारा बच्चा ने बना हुआ, ये तो हम ब्यास में तो वसूल करेंगे दूसरे गुआंडा का वोट लेकर और वहाँ देवेंगे।